मैम सर प्रॉब्लम ये है, जैसे मुझे तो स्कूल से निकाल दिया है ना, स्कूल की फीस भी आ जाएगी, आधी निकल आ जाएगी, तो मेरी आधी सैलरी भी देनी थी 15 अप्रैल 2 जुलाई क्या शिवम गुप्ता सैलरी हम फर्स्ट हो गई आधी तो दी है सर। हाँ बनी थी नहीं सर बनी तो 50 जैसे मैं स्कूल का पार्ट होता अगर तो मैं कॉपरेट करूँ, अब मैं स्कूल का पार्ट ही नहीं हूँ। सबको 3 दिन पीरियड दिए गए थे, मुझे 5-5 पीरियड दिए गए। नहीं सर, स्टाफ मतलब अप्रैल से लेकर अब तक की सैलरी 50% सभी स्टाफ को दी गई है, तो बाकी कब मिलेगी सर? बाकी तो किसी को दिया ही नहीं है अभी तक, कोई कमेंट नहीं है सर। फीस तो पूरी आएगी ना, आज नहीं तो कल आएगी सर। अगर मैं स्कूल का पार्ट ही नहीं हूँ तो मेरा हिसाब कर दीजिए सर। स्कूल में नहीं मिलेगी या कहीं भी नहीं मिलेगी? हमें मैम आपकी फीस तो आ जाएगी ना, आज नहीं तो कल आ जाएगी। नहीं जब आ जाएगी तब देंगे भी ना, प्रॉफिट में होगा इसको तो मैम जब आ जाएगी अब तब दे दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अभी हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हमारे सर्कमस्टेंसेस क्या है सामने खड़े हो तुम। और भी तो खर्चे होते हैं ना सर? खर्चे होते होगा सही है, सबको 3-3 पीरियड दिए गए हैं, मुझे 5-5 पीरियड दिए गए हैं। आप लिख के दे दो भैया, दे दो ठीक है जी, लिख के दे दो ये पेमेंट के लिख के। उस एप्लीकेशन से क्या फायदा होगा सर? तो क्या चाहते हो आप ये बता दो। ये चाहता हूँ जैसे सर मुझे तो निकाल दिया स्कूल से। हाँ ठीक है। आप लोग अपनी देखते हैं, दूसरे की देखते नहीं है, नहीं देखते है, नहीं देखते है ना, नहीं देखते। जो आधी सैलरी बची बता दीजिए। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। नहीं मैं मानता हूँ सबसे लिए कभी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ सर। ले लिए जमा होती है कंटिन्यू जी कंटिन्यू जमा होती है तो आगे तो सोचेंगे, तो मुझे एक लिख के दे दीजिए कि जब फीस जमा हो जाएगी पूरी तो आपकी सैलरी दे देंगे। फीस तो जमा नहीं जा रही भैया मेरे सर, आज नहीं तो कल हो जाएगी ठीक है, फीस तो जमा होनी है। लीजिए मान करो इतना मुझे मालूम होता है मैडम, मुझे सब बच्चों की जमा होती है। नहीं वो तो बात ना हकीकत मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। नहीं तो भरोसा नहीं है तो आप मुझे ये लिख के दे दीजिए कि जब फीस आ जाएगी बच्चों से तब आपकी बच्चे को दे देंगे, है ना। फिर तो सर गलत बात हो जाएगी ना ये। तो सर मैंने काम आधा किया और टीचरों से काम मेरा मैच कीजिए, सबको 3-3 पीरियड दिएगा, मैंने पूरा पूरा दिन पढ़ाया, पूरे पूरे दिन क्लास ली। उसके सर बाहर नहीं ऑफिस में बाहर जाके बात कीजिए सर। ऑफिस से बाहर तो मैं चला जाऊंगा, तो जाइए ना। चलो ऐसा करना आप अमित राज आए नहीं चलिए चलिए सर आप गुस्सा कर लीजिए।